हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी के लेसन 6 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। तो स्टूडेंट, इस रूल का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है, तो ये रूल अगर आप जानते हैं तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो डीएनए जो कि इस लेसन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप अगर इस रूल को समझेंगे तभी आप डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चारगैप साहब ने कौन सा रूल दिया था और उन्होंने किस प्रकार के रूल दिए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो रूल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है डीएनए से रिलेटेड ये रूल दिया था। डीएनए, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चारगैप का नियम क्या है। तो देखिए, चारगैप ने विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किया और बताया कि, यानी कि चारगैप जो थे इन्होंने विभिन्न जीवों यानी कि कई जीवों के डीएनए का अध्ययन किया, ठीक है, स्टडी किया, और उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला इससे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं उन्होंने फर्स्ट निष्कर्ष क्या निकाला। तो देखिए, एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, साइड में आपको दिख रहा होगा। तो उन्होंने बताया कि सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा, ठीक है, प्यूरीन क्षारक की मात्रा जो है पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। यानी कि सिंपल सा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्यूरीन क्या है, पिरिमिडीन क्या है, तो आप लोग यहां पर देख लीजिए एक बार फिर से, ताकि आप लोगों का टॉपिक जो है क्लियर हो सके, ठीक है। प्यूरीन और पिरिमिडीन, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है इसमें प्यूरीन जो होता है वो होता है एडिनिन, एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है। इसमें जो प्यूरीन होता है वो एडिनिन ग्वानिन होता है, और जो पिरिमिडीन होता है वो थायमीन साइटोसिन, ठीक है, थायमीन और साइटोसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो थायमीन और साइटो सीन। और बच्चों पिरिमिडीन जो है इसमें यूरेसिल भी पाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहां पर यूरेसिल नहीं बताऊंगा, क्योंकि यूरेसिल जो है ये आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में सिर्फ थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, और प्यूरीन एडिनिन ग्वानिन, ठीक है। यानी कि प्यूरीन और पिरिमिडीन दो प्रकार के क्षारक होते हैं। तो इन्होंने बताया कि सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है, ठीक है। तो प्यूरीन क्या है, एडिनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन है थायमिन साइटोसिन, जो कि डीएनए में पाया जाता है, यही चार, ठीक है। तो आगे देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो इन्होंने बताया, अब इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या कहा इन्होंने, तो एडिनिन, एडिनिन, ठीक है, और प्लस ग्वानिन। तो इन्होंने बताया कि प्यूरीन क्षारक की मात्रा, यानी कि ये देखिए दोनों प्यूरीन है, एडिनिन और ग्वानिन, और इस क्षारक की मात्रा जो है थायमिन और साइटोसिन के बराबर होती है, थायमिन प्लस साइटोसिन, ठीक है, थायमिन और साइटोसिन के बराबर होती है। तो इन्होंने अपने रूल में यही बताया था, तो आप लोग सिंपली इसे लर्न भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, कि जो प्यूरीन होता है प्यूरीन के अंतर्गत एडिनिन और ग्वानिन आते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था, तो ये जो होती है ये थायमिन और साइटोसिन के बराबर होती है, फर्स्ट रूल इनका यही था, और इसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर आप ई के स्थान पर आई लिखिए, ठीक है, एडिनिन। तो ये था इनका फर्स्ट स्टेप, अभी इनका सेकेंड स्टेप भी है, और इन्होंने अपना जो रूल दिया था वो थ्री स्टेप में दिया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा स्टेप इनका क्या है। तो दूसरा स्टेप भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भिन्न भिन्न जातियों के जीवों, यानी कि इन्होंने दूसरे स्टेप में क्या बताया, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए, यानी कि डीएनए में एडिनिन थायमिन तथा ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अगर आप अलग अलग स्पेसीज लें, अलग अलग जातियां लें, तो उनमें जो एडिनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन का जो अनुपात होता है वो अलग अलग होगा, ठीक है। और अगर आप एक ही जाति लेंगे तो जीवों में एडिनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात एक ही होगा। यानी कि सिंपल है,
अगर आप अलग अलग जातियां लेंगे तो उनमें इन दोनों का अनुपात अलग अलग होगा, और अगर आप एक ही जात लेंगे तो उनमें इन दोनों का अनुपात सेम होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया दूसरे अपने रूल में। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन थायमिन यानी कि एडेनिन प्लस थायमिन का जो रेशियो होता है बच्चों, वो ग्वानिन और साइटोसिन के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर आप लोग समझिए कि भिन्न भिन्न जातियों के डीएनए में एडेनिन थायमिन तथा ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, यानी कि भिन्न भिन्न जातियों में ये अलग अलग होगा और एक ही जाति अगर आप लें तो इन दोनों का अनुपात सेम ही होगा। ठीक है, तो ये था इनका सेकेंड रूल, मतलब ये था इनका सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका थर्ड स्टेप क्या है। तो ये दोनों स्टेप आपको समझ में अच्छे से आ चुके होंगे। तो इनका तीसरा स्टेप क्या था और लास्ट स्टेप। ठीक है, तो इन्होंने तीसरे स्टेप में बताया कि एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। यानी कि जैसा कि मैं आपको बताया मैंने कि डीएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन दो प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, इनमें एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। तो इन्होंने क्या बताया तीसरे स्टेप में कि अगर आप एक ही जीव जाति के सदस्य को लें, यानी कि जिनका जाति जो है एक ही हो, तो उनमें पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में, यानी कि मैंने आपको बताया कि डीएनए के बहुत सारे अणु हमारे अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, तो इनमें जो है क्षारकों की संख्या समान होती है। ठीक है, जैसे डीएनए के कुल अणु, मान लीजिए मैंने एक अणु ले लिया, ठीक है, मैंने एक अणु यहां पर डीएनए का लिया, मान लीजिए हमने डीएनए लिया, ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है, डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। यानी कि अगर एक हम डीएनए लें तो इनमें जो है जो ये क्षारक लगे होते हैं, ठीक है, क्षारक होते हैं इनमें, जो उनकी संख्या जो है समान होगी। तो इन्होंने यही बताया, ठीक है, कि एक ही जीव जात के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। यानी कि अगर एक डीएनए हम लें तो उनमें जितने अणु होंगे वही अगर उसी जाति का कोई दूसरा सदस्य उसके एक डीएनए ले लें तो उनमें भी उतने ही अणु होंगे, यानी कि एक डीएनए में अणुओं की संख्या जो है क्षारकों की संख्या समान होगी, चाहे वो एक मनुष्य, मतलब फर्स्ट मान लीजिए एक मनुष्य है ये दूसरा मनुष्य है, ठीक है, आदमी है, तो जितना एक डीएनए में यानी कि फर्स्ट जो मैन है इसके एक डीएनए में जितने क्षारक होंगे वही उतने ही क्षारक दूसरे मनुष्य के डीएनए में होंगे, ठीक है, यानी कि समान होंगे। तो ये था बच्चों तीसरा स्टेप। तो आशा करता हूं आपको ये तीनों स्टेप अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में शॉर्ट टाइम में अच्छे से आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इनका रूल जो था डीएनए के पर बेस्ड था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि चारगेव ने बताया कि जो जीवों के डीएनए का अध्ययन किया इन्होंने और बताया कि फर्स्ट स्टेप सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा जो है पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। ठीक है, जो प्यूरीन क्षारक होते हैं, प्यूरीन का मतलब क्या बच्चों, प्यूरीन का मतलब एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन का मतलब थायमिन साइटोसिन। ठीक है, अब ये जो चित्र है इसको भी मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मान लीजिए एडेनिन है, ये क्या है साइटोसिन है, थायमिन है, ठीक है, एडेनिन है, थायमिन है, और ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है। ठीक है, तो ये जो एडेनिन और ग्वानिन जितने होंगे उतने ही थायमिन और साइटोसिन होंगे, यही इनका कहना था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कि सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होगी। तो देखिए ये जो एडेनिन है और ग्वानिन है और इधर थायमिन साइटोसिन, तो इन दोनों को जोड़ा जाए और इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरा स्टेप इनका देखते हैं। तो दूसरा स्टेप इनका क्या था बच्चों, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए के एडेनिन थायमिन तथा ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात जो है भिन्न भिन्न होता है। अगर एक ही जीव जात हम लें तो उसमें क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो क्या इन्होंने दूसरे स्टेप में बताया, सिंपली समझिए, जो भिन्न भिन्न अगर हम अलग अलग जातियां लेंगे तो उनमें एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात जो होगा भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और अगर एक ही जात लें तो इन दोनों का अनुपात जो है सेम ही होगा। और चलिए हम लोग अपना थर्ड स्टेप देखते हैं क्या है। तो थर्ड स्टेप है बच्चों, एक ही जीव के सदस्यों में पाए जाने वाले
डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। यानी कि एक ही जीव जात के अगर हम सदस्य ले, मान लीजिए ये एक आदमी है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये मैन फर्स्ट है, ये मैन सेकेंड है, ठीक है, तो इसके एक डीएनए में जितने क्षारक पाए जाएंगे उतना ही दूसरे आदमी के एक डीएनए में पाया जाएगा क्षारक, ठीक है। तो यही था इनका तीसरा स्टेप। तो आशा करता हूं कि आपको ये तीनों स्टेप अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और चारगेफ का नियम भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के जरिए वो भी अच्छे से अच्छा अध्ययन कर सकें और जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट बस इतना ही, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।